नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। केंद्र सरकार साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हर मुमकिन उपाय अपनाने में लगी हुई है। इसी क्षेत्र में बीते सोमवार को कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने ज्यादा से ज्यादा किसानों को खेती बाड़ी के लिए बैंकों से लोन दिलाने के लिए अनावश्यक औपचारिकताओं को खत्म कर दिया है और अब सिर्फ 14 दिनों के अंदर ही लोन की सीमा भी निर्धारित कर दी जाएगी। और इतना ही नहीं, इस नई व्यवस्था को लागू करने के बाद किसानों को बार बार बैंकों के चक्कर काटने से भी निजात मिल पाएगा। आपको बता दें कि कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने इस बात की जानकारी बीते सोमवार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में दी है। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए लोन लेने की प्रक्रिया को अब काफी आसान कर दिया गया है। अब इसके लिए किसानों को जमीन के कागज और KYC फॉर्म के साथ अपनी फोटो जमा करानी होगी। इसके अलावा लोन लेने के लिए किसानों से लिए जाने वाला प्रोसेसिंग शुल्क और निरीक्षण शुल्क अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें कि बैंकों में लोन लेने के लिए अब एक समान आवेदन पत्र की व्यवस्था भी की गई है, साथ ही जनधन खाता धारकों के लिए भी समान ही व्यवस्था लागू की गई है। आपको बता दें कि इस दौरान कृषि सचिव ने ये भी बताया कि करीब 50% किसान बैंकों से लोन लेने की बजाय गैर सरकारी और साहूकारों या जमींदारों से ऋण ले लेते हैं, जिस पर उनको भारी ब्याज देना पड़ता है। तो वहीं बैंकों में लोन लेने के लिए कई तरह के शुल्क और लंबी कागजी कार्रवाई होने की वजह से भी किसान लोन लेने से हिचकिचाते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने मछली पालन और पशुपालन का काम करने वाले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर दिए जाने वाले लोन पर 2% ब्याज सब्सिडी देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि इस इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ छोटी अवधि के लिए 2,00,000 रुपए तक का लोन लेने वाले किसानों को 7% की ब्याज दर पर लोन मिलेगा। और इतना ही नहीं, 2018 से 2019 और 2019 से 2020 में लोन लेने वाले किसान भी इस सब्सिडी योजना का फायदा ले सकेंगे। जहां एक तरफ मोदी सरकार ने पशुपालन और मछली पालन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है, तो वहीं समय पर लोन का भुगतान करने वाले किसानों को ब्याज पर 3% की अतिरिक्त छूट दी जा रही है। हालांकि अभी नियमों के लागू होने के बाद जो भी किसान समय पर लोन का भुगतान करेंगे उन्हें साल 2018 से 2019 और साल 2019 से 2020 के लिए 4% की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। RBI की माने तो इस ब्याज सब्सिडी छूट का फायदा सिर्फ 2,00,000 रुपए तक की छोटी अवधि के लोन पर ही मिलेगा। इसके अलावा इस छूट का फायदा लेने के लिए केवल मछली पालन और पशुपालन गतिविधियों में शामिल किसान ही होंगे। आपको बता दें कि मछली पालन पशुपालन करने वाले किसान 3,00,000 रुपए तक के लोन पर इस योजना का फायदा ले सकते हैं और जो किसान केवल मछली पालन और पशुपालन ही कर रहे हैं उनको केवल 2,00,000 रुपए तक के लोन पर ही इसका फायदा मिलेगा। जहां एक तरफ उत्तराखंड में इस साल सेब का अच्छा खासा उत्पादन हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले काफी समय से लगातार हो रही बारिश की वजह से किसान अपनी सेब की फसल को बाहर ही नहीं भेज पा रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। दरअसल अगर बारिश इसी तरह लगातार होती रही तो किसानों की सेब की फसल यूं ही पड़े पड़े खराब हो सकती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बारिश के चलते अब तक करीब 20 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो वहीं इस भारी आपदा से जगह जगह सड़कें टूट चुकी हैं, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यही एक वजह है कि किसानों की अच्छी खासी सेब की फसल का उठान नहीं हो पा रहा है। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं है, बारिश की वजह से कई किसानों के बाग लैंडस्लाइड की चपेट में भी आ गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपदा से प्रभावित इस समय उत्तरकाशी जिले में सबसे ज्यादा करीब 9000 हेक्टेयर क्षेत्र में सेब की खेती होती है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।